मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास, क्लास 8, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, पार्ट 20। आज मैं पार्ट 20 में आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रही हूँ, विराम चिन्ह यानी पंचुरेशन मार्क्स, यानी कहाँ पे किस शब्द में विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगाना चाहिए और इनका प्रयोग किस जगह होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आइए आज हम अपने ग्रामर में पढ़ते हैं। तो देखिए, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, यानी जब हम बुक पढ़ते हैं, कोई भी विषय वस्तु पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, तो वो जो थोड़ा रुकना हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। बोलते समय बोलने वालों को अपनी बात स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। लिखते समय भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए भी रुकना पड़ता है, इसके लिए कहीं अधिक समय रुकना पड़ता है और कहीं कम समय के लिए। रुकने वाले इन स्थानों को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह लगाने पड़ते हैं, ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, देखिए जो हम लोग ये एक खड़ी लाइन खींचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप उसको बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका सेकंड नंबर में क्या आता है, अल्प विराम, यानी ये जो कॉमा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। फिर नेक्स्ट होता है अर्ध विराम यानी सेमी कॉलन, ये जो आपका दो एक बिंदी होती है और ये आपका क्या होता है, कॉमा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेमी कॉलन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क होता है ये, देखिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होता है, उप विराम चिन्ह, फिर इसके बाद निर्देशक चिन्ह होता है, जैसे हम ऐसे डैश लगा देते हैं ये आपका क्या होता है, निर्देशक चिन्ह होता है। फिर विवरण चिन्ह होता है, इसके बाद आपका योजक होता है, ये जो बीच में लाइन लगी रहती है जैसे माता पिता भाई बहन के बीच में जो ये लगी होती उसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। फिर इसके बाद कोष्टक यानी ब्रैकेट आपका होता है। फिर इसके बाद संक्षेप, ये जो आपका गोला वाली बिंदी होती है वो क्या होती है, संक्षेप सूचक होती है। फिर नेक्स्ट 12 नंबर में क्या आता है, त्रुटि पूरक चिन्ह आता है, और इसके बाद क्या होता है आपका, उद्धरण चिन्ह होता है, जो हम ये डबल कॉमा करते हैं और इसके बाद ये सिंगल कॉमा करते हैं, ये हमारा कौन सा चिन्ह कहलाता है, उद्धरण चिन्ह कहलाता। अब आइए अपने ये हम जो हमारे विराम चिन्ह है इसका प्रयोग किस तरह होता है और इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, पूर्ण विराम, यह किसी कथन के पूर्ण होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता के छंद के चरण के अंत में आता है, जैसे सदा सत्य बोलो, ये देखिए लास्ट में यहाँ पे पूर्ण चिन्ह विराम का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। किसी को मालूम नहीं कि वह कहाँ से आया, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, देखिए इसमें बीच में देखिए पूर्ण चिन्ह का यूज किया गया है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसके बाद सेकंड नंबर में आपका क्या आता है, अल्प विराम आता है, तो अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो अल्प विराम के प्रयोग की स्थितियाँ निम्न प्रकार की होती हैं, तो फर्स्ट क्या है, एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग अलग करने के लिए, जैसे देखिए मीरा श्वेता गरिमा और अनुराधा खेल रही हैं, और नेक्स्ट देखिए वह परिश्रमी ईमानदार स्वस्थ और सुंदर है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए जैसे देखिए जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, वह पढ़ता तो बहुत है पर सफल नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्या है, यह वह तब तो आदि के स्थान पे होता है, जैसे जब आप आए मैं पढ़ रहा था संबोध। अब फिर नेक्स्ट क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है इसका, संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए तथा हाँ या नहीं के पश्चात, यानी मित्रों मुझे आज घर पर अवश्य कार है, रमेश मैं अब नहीं
वहाँ नहीं जाऊँगा। देखिए हाँ हाँ के बाद ये देखिए आपका क्या है अल्प विराम है, फिर मैं भी चलूँगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि के लिए होता है। अभिवादन में जैसे पूज्य नी, देखिए पूज्य के बाद हम दादी लिखते हैं फिर इसका यूज करते हैं, उसी तरह प्रिय मित्र के बाद हम करते हैं। और समापन में कैसे, जैसे भवदीप लिखते हैं और तुम्हारा प्रिय मित्र के बाद इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए उद्धरण से पहले, तो देखिए उद्धरण से पहले कैसे होता, जैसे अध्यापक ने कहा। अब इसके बाद देखिए ये हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, फिर आगे देखते हैं पृथ्वी गोल है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्या आया हमारा अर्ध विराम आया, सेमी कॉलन आया। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहाँ हम क्या करते हैं अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश और गोपी आए थे, ये सब अब वहाँ जाएंगे। और देखिए जो काम मैं आज पूरा नहीं कर सका, फिर ये देखिए आपका यहाँ पे क्या है सेमी कॉलन है, वह कल पूरा हो जाए। फिर क्या आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी इसका यूज हम कब करते हैं क्वेश्चन मार्क का, कि वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे, इसमें आपका क्या हो गया क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो गया, वह कौन है। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है फिफ्थ नंबर में विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी विस्मय विस्मय वाली चीज आती, जैसे हर्ष हो गया, शोक हो गया, विस्मय हो गया, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द, अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यों के अंत में ही विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा कैसे सुहावना मौसम है, छी छी के बाद देखिए ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, कितनी बदबू आ रही है, अरे तुम आ गए। इसमें देखिए फिर नेक्स्ट क्या है आपका उपविराम, उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा शब्दों का उदाहरण इस प्रकार है और मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, ये देखिए जैसे इसके लास्ट में इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उपविराम का, नाटक आदि में संवाद के पूर्व, जैसे गौरव, देखिए जैसे गौरव का नाम लिखा रहता है फिर आपका ये उपविराम होता है, उसके बाद सच कहा है तुमने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है निर्देशन चिन्ह, यानी डैश वाला है, तो उदाहरण की ओर संकेत करने वाला अथवा निर्देश वाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है, निर्देशक चिन्ह कहलाता है। जैसे वचन के दो भेद होते, फिर देखिए ये हमने डैश लगाया एक वचन बहुवचन, उसी तरह देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर देखिए ये डैश हमने लगाया लोकमान्य तिलक ने कहा था। अब देखिए विवरण चिन्ह यानी कॉलन डैश, तो ये देखिए विवरण चिन्ह जब किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना होता है तब हम वहाँ पे क्या करते हैं विवरण चिन्ह का यूज करते हैं। देखिए हम लोग इन चिन्हों की जानकारी विराम चिन्हों की नहीं होती तो हम कहीं पे भी किसी चिन्ह का यूज कर देते हैं, हमें ये पता नहीं रहता है कि इसका मतलब क्या है और इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए जैसे हमने ये पढ़ा आपका कॉलन डैश, इसको हमने कहीं भी लगा देते जबकि इसको ऐसे नहीं लगाना चाहिए। देखिए जैसे इसमें लिखा है एग्जाम्पल समझाया कि क्रिया दो प्रकार की होती, इसके बाद आपका विवरण चिन्ह है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब नेक्स्ट पेज देखिए आपका क्या आया योजक आया, तो योजक का जैसा कि नाम से स्पष्ट है दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, देखिए इसके बीच में योजक चिन्ह है, माता पिता, वनगमन, तुमसा, कभी कभी एक तिहाई। फिर 10 नंबर आपका क्या आया कोष्टक यानी ब्रैकेट आया, कोष्टक चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित तीन रूपों में किया जाता है, जो कोष्टक होता है वो तीन तरह, समानार्थी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे वह दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर। फिर क्रमसूचक अंगों अथवा अक्षरों के साथ, जैसे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, काखागा आदि। फिर वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी फिर हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति सदा जीवन व्यतीत करते थे।
फिर नेक्स्ट क्या आता है, संक्षेप सूचक। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे क्या कर देते हैं, शून्य लगा देते हैं। जैसे डॉक्टर पूरा है तो हम पूरा ना लिख के सिर्फ डॉक्टर लिख देते हैं, डॉक्टर पंडित, और पंडित हम पूरा ना लिख के पा के बाद बिंदी लिख देते। जैसे प्रोफेसर है तो प्रो लिख के ये आपका छोटा सा शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिए त्रुटि पूरा क्या, हंसप्रद चिन्ह। जब कुछ लिखते हैं हम और बीच में छूट जाता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे एरो सा निशान लगा के ऊपर लिख देते हैं। अब ये नहीं कि आपका नीचे का इधर यहाँ का छूटा तो हमें ये चिन्ह कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ पे लगाना चाहिए, ये नहीं कि हमें ये क्या करना चाहिए, यहाँ नीचे भी हम ऐसे करके यहाँ लिख दें, ऐसा नहीं होता। इसका सही क्रम क्या होता है कि हमें यहाँ पे कुछ छूट गया या यहाँ, तो यहाँ ऊपर चिन्ह लगा के यहाँ पे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए सुख दुख तो जीवन में लगे रहते हैं। अब देखिए उद्धरण चिन्ह, इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब इसे दोहरे उद्धरण चिन्ह, ये मतलब डबल का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्म विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुलसीदास ने कहा है। अब देखिए इसको हम क्या करें, उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखें परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, वाक्य में किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रविंद्र, रविंद्र में देखिए नाम के पास हमें कभी डबल वाला चिन्ह नहीं लगाना चाहिए उद्धरण, उसको इसको हमेशा सिंगल वाला लगाना चाहिए। रविंद्र शब्द में दीर्घ संधि है, कमायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिटर्न क्वेश्चन में निम्नलिखित में उचित स्थानों पे उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना है। जैसे इसमें फर्स्ट में क्या दिया, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चिन्ह का प्रयोग करना है, अकर्मक क्रिया, फिर सकर्मक क्रिया के बाद लास्ट में पूर्ण विराम लगाना। नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है, तो नेहरू जी ने कहा था के बाद क्या करना है, हमें यहाँ कॉमा लगाना है, फिर आपका उद्धरण चिन्ह में क्या लिखना है, आराम हराम है। अध्यापक भारत के प्रधानमंत्री कौन है, अब देखिए अध्यापक के बाद क्या करना है, ये डैश करना है, फिर लिखना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे में लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान लगाना। नेक्स्ट देखिए छात्र पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो छात्र के बाद क्या करना, हमें डैश करना है, फिर पंडित पंडित में देखिए शून्य, हमने पूरा पंडित ना लिख के थोड़ा सा लिखा है तो यहाँ छोटा सा शून्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पूर्ण विराम लगाना। नहीं मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, नहीं के बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है, फिर मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता के बाद पूर्ण आपका विराम का चिन्ह लगा। निम्न फिर देखिए निम्नलिखित क्या करना है, अरे ये देखिए एक और आपका है लास्ट वाला, अरे मोहन गया जब मैं मिला था वह कुछ नहीं बोला, तो अरे के बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है, मोहन गया उसके बाद भी कॉमा लगाना, जब मैं मिला था फिर कॉमा लगाना, वह कुछ नहीं बोला, फिर पूर्ण आपका ये विराम का चिन्ह लगाना। अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बोलते समय बोलने वाले को अपनी बात स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है, लिखते समय भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए भी रुकना पड़ता है, इसके लिए कहीं अधिक समय रुकना पड़ता है और कहीं कम समय के लिए, रुकने वाले इन स्थानों को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह लगाने पड़ते हैं, ये चिन्ह आपके क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। सेकंड देखिए भाषा में विराम चिन्ह की क्या उपयोगिता है, टिप्पणी लिखना है हमें, तो भाषा में विराम चिन्ह की बहुत उपयोगिता है, विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ सरल और स्पष्ट हो जाता है। फिर देखिए अल्प विराम चिन्ह को कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जाता है, तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अल्प विराम के प्रयोग की स्थितियाँ निम्न प्रकार है, फर्स्ट क्या है, एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए, और सेकंड है क्या है, उपवाक्यों को अलग करने के लिए, थर्ड नंबर आपका क्या है इसमें कि वह पढ़ता जैसे यह हुआ है तब तो आदि के स्थान पर इसको लगाया जाता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर देखिए त्रुटपूरा क्या, हंसपद का चिन्ह किन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है, उदाहरण सहित हमें बताना है, तो संबोध
तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि हंसप्रद जो चिन्ह होता है तो जब कुछ लिखने से छूट जाता है तब त्रुटिपूरक या हंसप्रद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 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 के बीच में लगाए जाते हैं, जैसे जैसे सुख दुख तो फिर हम बीच में छोड़ दिए में लगे रहते हैं, तो बीच में अगर हमें जीवन लिखना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे चिन्ह का प्रयोग करके जीवन लिख देंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, संक्षेपक अथवा लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, इसके प्रयोग का उदाहरण सहित हमें क्या करना है, समझाना है। तो देखिए लाघव चिन्ह बताइए किसे कहते हैं, लाघव चिन्ह जैसे हमें पंडित लिखना है तो हम पंडित ऐसे लिखते हैं, तो पंडित ना लिख के हम क्या कर दें, यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा देते हैं हम। तो देखिए किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देने ते हैं, इस शून्य को संक्षेपक या लाघव चिन्ह कहते हैं। उदाहरण जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर में क्या करते हैं, डा लिख के आगे बिंदी लगा देते हैं, और पंडित में जैसे हमने ये बताया उसी तरह प्रोफेसर। और इसके बाद देखिए आपका ये क्या है, करने की बारी, टर्न टू डू, निम्न क्या करना है, विराम चिन्हों के आगे उसके नाम लिखने, ये विराम चिन्ह बने हुए हैं तो आपको क्या करना है, इसके नाम इसके बगल में करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपका ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पार्ट पर आपको लेके आएंगे। इसके अलावा आपको ये विराम चिन्ह कहाँ यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, और कौन कौन होते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये सब याद करना और लर्न करके हमें सुनाना है। थैंक यू।